हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं मैट्रेसी, जो कि क्लास 12 का सबसे लेंदी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हालांकि इस टॉपिक को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स एंड पावर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसे ही जान लेते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। देखिए, मैट्राइसिस है, ओके, और मैट्राइसिस है वो प्लूरल फॉर्म है, ओके। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? मैट्रिक्स, ओके। सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मैट्राइसिस। तो इतना समझ लिया। अब मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? तो मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ एम एन नंबर्स, और m जो होता है वो आपका रो होता है, और n जो होता है वो आपका कॉलम होता है। मतलब जितना भी हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है, इन्फॉर्मेशन है, उसे हम क्या करते हैं? रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, ओके। सो इसे कवर किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और हमारा जो नॉर्मल होता है ब्रैकेट वो कर्व्ड ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ओके। तो आप कहोगे कि यार डिटर्मिनेंट जो चैप्टर था वो भी कुछ इसी तरह से ही था। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता था? सिर्फ सिंगल लाइन यूज़ किया जाता था, ओके। और मैट्रिसेस में ये दो में से कोई एक यूज़ करना है, ओके, और बाकी सब यहाँ पे सेम ही है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल जाती है। तो देखिए, डिटर्मिनेंट जो है ना वो मैट्रिसेस से बहुत ही मिलता जुलता कैरेक्टर है। देखिए, अगर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और अगर आपको अच्छा आउटकम चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे ही पहले आप क्या करेंगे कि अच्छे प्लेयर्स को ढूंढेंगे, ओके। सो अच्छे प्लेयर्स को जब आप ढूंढ लेंगे तो क्या करेंगे? उन अच्छे प्लेयर को उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको वो काम देंगे कि आप बैटिंग में अच्छे हो तो आप बैटिंग में पहले उतरो, आप बॉलिंग अच्छा करते हो तो आप मैच में बॉलिंग अच्छा करो, या फिर फील्डिंग करते हो तो वो अच्छे से कर लो, आप कैच बहुत अच्छा करते हो इसलिए आप इस जगह पे खड़े रहो। सो इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? पूरा प्लान करते हैं, एक मैट्राइसिस बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, और उस मैट्रिक्स मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, ओके, एक अच्छा फॉर्मेशन करते हैं टीम का, ओके। तो मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं कि एक टीम है, और उससे जो निकल के आता है डिटर्मिनेंट वो होता है हमारा आउटकम यानी रिजल्ट। तो अगर अच्छी टीम होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी टीम नहीं होगी, कुछ इश्यूज़ होंगे, किसी को चोट लग गई या फिर कोई अच्छा नहीं खेला, तो क्या होगा? रिजल्ट डाउन हो जाएगा। सो उसी तरह से मैट्रिक्स जो है वो डिटरमिनेंट से एक लेवल अप है, और उसमें हम और भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। सो देखिए, मैट्रिक्स समझ लिया क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ओके। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसका? रोज और कॉलम का, ओके। रोज क्या होते हैं? रोज ऐसे हॉरिजॉन्टल, देखिए आपकी लाइन कैसी है, ओके, हॉरिजॉन्टल ऐसे। ये देखिए, ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ये चौथा रो हो गया, ओके। और कॉलम्स क्या होते हैं? स्टैंडिंग लाइन, ओके, वर्टिकल लाइंस। सो रोज कॉलम क्लियर हो गया। और देखिए, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m बाय n, मतलब m इंटू n नहीं बोलेंगे हम इसको, m बाय n बोलेंगे मैट्रिक्स में, ओके। मैट्रिक्स में इसको m बाय n बोलेंगे, और नॉर्मली m बाय n क्या होता है? m अपॉन n, लेकिन मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे? m बाय n, ओके। देखिए वही भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम एन क्या होता है? एम बाई एन। और मैट्रिक्स के अंदर जो हर एक होता है, ओके, ऑब्जर्वेशन, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन मौजूद होंगे वो सब क्या होंगे? मैट्रिक्स के एक एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? अब देखिए, मैट्रिक्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आखिर मैट्रिक्स क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक मैट्रिक्स जिसका नाम हमने ए दिया है। डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप मैट्रिक्स भी आराम से कर लेंगे, मैं इसकी गारंटी मैं पूरी देता हूँ। सो देखिए, ए हमने एज्यूम किया कि ये कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या होता है? रोज़ और कॉलम्स, ओके। ये देखिए, रोज़ और ये कॉलम्स का अच्छा सा अरेंजमेंट होता है, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए वो आई जे के फॉर्म में होता है। ये जो आपका आई है वो डिनोट करता है रो को, और ये जो जे है ये डिनोट करता है कॉलम को, ओके। सो देखिए, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स से ले लिया अपना, ओके, 2-3 9 1 0
-7, 4, -2, 1, और इसको हमने देखिए किससे दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट से। हम इससे भी अगर यूज़ करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन इन दोनों को यूज़ करना है। जब आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तब आपको ये वाला यूज़ करना है, ओके। ऐसा जिसमें 3, 4, 2, 1 एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 -4, 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, हो गया आपका डिटरमिनेंट। हो गया क्या, हो गया ये आपका, ये होता है आपका डिटरमिनेंट, होता है डिटरमिनेंट निकलता है, ओके। सूरफ वक्त ही, इसलिए हैंड राइटिंग पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। सो देखिए, रो और कॉलम के लिए हो गया। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, ओके, कि इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, तो देखिए ऐसे आएगा, ए मतलब ये एलिमेंट है और एलिमेंट का ये लोकेशन है 1, 1 पे, 1, 2 पे, 1, 3 पे। देखिए ये पहले रो पे है, ओके, ये हो जाएगा हमारा रो 1। जैसा मैंने कहा रो होते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये हो जाएगा रो 2 और ये हो जाएगा रो 3, राइट। वैसे कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, तो ये आ जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ईजी, ये हो गया हमारे कॉलम्स और ये हो गए हमारे रोज। सो देखिए, रिप्रेजेंट पहले क्या किया जाता है, aij, और i होता है हमारा पहला रो और j होता है हमारा कॉलम। तो मतलब 1, 1 मतलब पहला कॉलम, सॉरी पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम ये रहा, ओके, तो इसलिए 1, 1। और उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम तो ये रहा, वैसे पहला रो तीसरा कॉलम तो ये रहा, वैसे दूसरा रो, देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम और दूसरा रो तीसरा कॉलम। सिमिलरली R3 के लिए, यानी रो 3 के लिए, तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो मैट्रिक्स स्टार्ट कैसे होता है, IJ के फॉर्म में, मतलब रो और कॉलम, कॉलम रो नहीं चलेगा, मतलब JI आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। सो ये रिप्रेजेंट होता है R और C, यानी I और J के फॉर्म में, ओके। और एक बात कि जो आइडेंटिकल टर्म होते हैं, मतलब I और J जब इक्वल होंगे, मतलब ये जो हमारा I है यानी रो और J, ये दोनों अगर आपस में कहीं पर भी इक्वल हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब देखिए A11 ये रहा, ओके, देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम और इक्वल, क्लियर। और यहाँ पे ये देखिए आ जाएगा 2, 2, ओके, 2, 2 और ये 3, 3। अब देखिए ये दोनों एक डायगोनल मिलके बना रहे हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, क्लियर हो गया। और उसके अलावा जो बच जाता है, जो कि आइडेंटिकल टर्म्स नहीं होते, मतलब IJ जहाँ पे इक्वल नहीं होता, वो क्या होते हैं, सिंपल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ओके। और ऐसा किस केस में होता है वो भी देख लीजिए, ये देखिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये वाले क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है वो हम जानेंगे, फिलहाल मैं ये बता देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपका M होता है यानी रो, ओके, रो, और जो N होता है यानी कॉलम, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जितना रो, ओके, जितना रो उतना ही आपका कॉलम, मतलब यहाँ पे मेरे पास जितने भी रो हैं उनका नंबर और कॉलम का उनका नंबर सेम होता है, क्योंकि देखिए स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होती है, वैसे रो हो गया उसका लेंथ, कॉलम हो गया उसका ब्रेथ, दोनों सेम है, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ओके। ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या होता है, दोनों साइड सेम है, मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम स्क्वायर क्या है, हमारा मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से ये जो एग्जांपल है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, वो हमने देख लिया है कि इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ओके। सो अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन, मतलब अगर किसी पॉइंट को बोल दिया कि प्लॉट करो कि ये कौन सा पॉइंट है, तो उसे हम कैसे प्लॉट करेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम इसके टाइप्स देख लेंगे, इजी। सो चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो देखिए, पहला हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, A1 और 3। तो पहला वाला होता है रो, मतलब ये वाला पार्ट, ओके, ये होता है हमारा रो, तो पहले पार्ट में तो हम आ गए, ओके, रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहला आ गया हमारा रो, और उसमें से क्या बोला है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और 1, 2, 3 थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा A1
थ्री। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस फाइव। अब देखिए ए टू टू बोला है, टू टू मतलब सेकेंड रो। ओके, यह था हमारा फर्स्ट रो और ये हमारा कौन सा कॉलम था, थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो और क्या बोला है, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये रहा, तो ये आ जाएगा हमारा ए टू टू। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, माइनस थ्री। और उसके बाद क्या बोला है, रो थ्री और उसके बाद कॉलम टू। तो देखिए रो थ्री कॉलम टू आ गया हमारा यहाँ पे आंसर थ्री। वैसे यहाँ पे देख लिया, प्लॉट करते हैं हम इसको, क्या बोला है रो वन कॉलम टू। सो देखिए फास्ट जाएंगे थोड़ा, तो देखिए रो वन और कॉलम क्या बोला है, टू, तो ये आ जाएगा। वैसे ही रो टू और कॉलम वन बोला है तो ये आ जाएगा, और वैसे ही रो थ्री और कॉलम थ्री बोला है तो ये आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा ए वन टू, और आ जाएगा हमारा ए टू वन, और ये आ जाएगा हमारा ए थ्री थ्री। तो यहाँ पे आएगा टू माइनस थ्री और वन। सो आई होप सो कि आपको इंट्रोडक्शन, एग्जांपल और इसका रिप्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इजी है, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि ये बहुत ही नई चीज़ आप कर रहे हो, और अगर डिटरमिनेंट आपने करा होगा तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर आया होगा, फिर भी एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। सो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन कि मैट्राइसिस आखिर कहते किसे हैं। तो मैट्राइसिस होता है मैट्रिक्स का प्लूरल, और मैट्रिक्स का होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन रो एंड कॉलम के फॉर्म में, और उसे क्या कहा जाता है वो भी देखा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, और ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है वो हम आगे चल के सीखेंगे। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और भी बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, और रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया कि किसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आज की वीडियो में बस खाली इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दे देना। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।